ओके सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। एवरीवन प्लीज पुट योर अटेंडेंस, प्लीज पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ओके थैंक यू। ओके ठीक है। सो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट। आई थिंक इट इज विजिबल, इज इट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। सो टुडेज आवर टॉपिक इज क्लॉक। ओके सो क्लॉक पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में एंड हाउ वी हैव टू डील विद देम। ओके सो ये इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे। वैसे तो क्लॉक्स के बारे में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके बट हम सिर्फ यहाँ पे जो यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम है उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही स्टडी करेंगे। ओके अगर क्लॉक को अगर हमें डीप में सीखना है सो इट इज क्वाइट लेंथी टॉपिक। ओके सो बिफोर बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल क्वेश्चंस वी विल जस्ट सी फ्यू बेसिक्स ऑफ क्लॉक। एज वी ऑल नो अ क्लॉक हैज टू हैंड्स। ओके द स्मॉलर वन इज कॉल्ड आवर हैंड एंड और द शॉर्ट हैंड। ओके व्हाइल द लार्जर वन इज कॉल्ड मिनट हैंड। ओके सो ये हमें पता है। नाउ इन एवरी आवर बोथ हैंड्स कोइंसाइड वंस, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कितनी बार करते हैं, एक आवर में एक बार करते हैं। ओके सो दिस थिंग वी नीड टू कंसिडर और वी शुड रिमेम्बर। आफ्टर दैट वेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट। ओके मतलब अगर वो दोनों हैंड 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दैट मीन्स दे आर 15 मिनट स्पेसेस। ओके 15 मिनट्स को उनमें डिफरेंस है या फिर हम कह सकते हैं अंतर है। नाउ वेन द हैंड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर 30 मिनट स्पेसेस अपार्ट। सो हमें पता ही है कि अगर दोनों हैंड अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर शो कर रहे हैं दैट मीन्स वो 30 मिनट्स का डिफरेंस है उन उन दो हैंड्स में। ओके नाउ एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स दैट इज 360 डिग्री। अभी अगर आप क्लॉक को कंसिडर करें, क्लॉक क्लॉक इज अ सर्कुलर। ओके क्लॉक इज नथिंग बट अ सर्कल। ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ द क्लॉक सो दैट वी विल अंडरस्टैंड मोर प्रॉपरली। आई नीड शेप्स दैट इज सर्कल सी। सो हम इसे एक क्लॉक कंसिडर करेंगे बराबर। और यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 रहेगा। ओके सो जब आवर हैंड 12 से शुरू करेगा और एक चक्कर अगर कंप्लीट लगाएगा सो दैट मीन्स उसने कितना रोटेट किया है 360 डिग्रीज। ओके 360 डिग्रीज रोटेट किया है। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्री। सो 12 घंटों में आवर हैंड जो है वो 360 कवर करता है और मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज कवर करता है। ओके ये दो चीजें हमें बहुत पक्की ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाउ टू फास्ट एंड टू स्लो क्या होता है? टू फास्ट एंड स्लो, इफ अ वॉच और अ क्लॉक इंडिकेट्स 8:15 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 8 इट इज सेड टू बी 15 मिनट्स टू फास्ट। ऑन द अदर हैंड इफ इट इंडिकेट्स 7:45 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 8 इट इज सेड टू बी 15 मिनट्स स्लो। जैसे कि हमें पता है मतलब वॉच आगे है या फिर पीछे है हम बोलते हैं ना सो हम उसको करेक्ट करते हैं। सो टू फास्ट एंड टू स्लो का जो है वो एक कंसेप्ट है। अभी फ्यू मोर कंसेप्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन क्लॉक। ओके सो इफ एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड इन 12 आवर्स इज 360 डिग्रीज सो वो एक आवर में कितना कवर करेगा? सी अगर 12 घंटे में वो 360 कवर कर रहा है सो इट इज कवरिंग 30 डिग्री इन 1 आवर। करेक्ट और नॉट? 30 डिग्री इन 1 आवर। सिमिलरली 3 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा। ओके सब लोग आंसर दीजिए
ओनली प्रेरणा नहीं, बाकी सब लोग भी। समझ में आ रहा है? मुक्ता, तनुश्री, इट माइट बी न्यू फॉर यू, मतलब ये आप लोगों ने कभी भी नहीं सीखा है। ओके ठीक है खुशी, गुड, चलिए ओके। सो 6 आवर्स में कितना एंगल कवर करेगा वो? आवर हैंड, 6 आवर्स में आवर हैंड कवर करेगा 180 डिग्री का एंगल। सिमिलरली इफ एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इज इन 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट मीन्स इन 1 मिनट इट इज 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट मीन्स 6 डिग्रीज। 1 मिनट यानी कितने डिग्रीज? 6 डिग्रीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पक्का ध्यान में होना चाहिए कि 1 मिनट यानी कि 6 डिग्रीज। ओके नाउ इन 5 मिनट्स, इफ इट इज, अगर हम 5 मिनट्स की बात करते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट मीन्स 30 डिग्री। सो 5 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री कवर करेगा? 30 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, सो ये सारे बेसिक्स हुए। देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। आवर हैंड जो है वो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है, मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करता है, 1 मिनट में 6 डिग्रीज कवर करता है, और लास्ट वन, द थर्ड वन, आई एम रीडिंग दिस वन, ओके, आवर हैंड मूव्स बाय 0.5 डिग्री इन 1 मिनट। ओके सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि आवर हैंड 1 आवर 30 डिग्री, मिनट हैंड 5 मिनट्स 30 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट 0.5 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट 6 डिग्रीज। ओके ये 4 क्वांटिटीज अगर आपको पक्की ध्यान में है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्लॉक्स। नाउ नोट ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके सो यहाँ पे हम जितने भी एंगल की बात कर रहे हैं, जितने भी एंगल की बात कर रहे हैं वो मोस्टली क्लॉकवाइज ही रहेंगे। ओके एंड इंटीरियर एंगल रहेंगे, मतलब कि इंटरनल एंगल रहेंगे, एक्सटर्नल नहीं। अभी एक्सटर्नल और इंटरनल की हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखिए फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी, ये कोई एक एंगल है, सॉरी सी, दिस इज एंगल दैट इज 30 डिग्री। ओके सो दिस इज इंटरनल एंगल दैट इज 30, बट इफ वी टेक एंगल फ्रॉम दिस साइड सो इट इज गोइंग टू बी 150। ओके इट इज 150 डिग्रीज। सो हम सिर्फ इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ओके सो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। कोई कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सो अजम्पशन जो है हमें हमारे हिसाब से लेने हैं। ओके जब हमारे अजम्पशन सही रहेंगे सो आंसर भी जो है वो सही ही आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दिया है फिर भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ क्लॉक शोज 12:30 AM, वॉट इज द एंगल बिटवीन एच एच एंड एम एच? एच एच मीन्स आवर हैंड एंड एम एच मीन्स मिनट हैंड। सो आवर हैंड के बीच में और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा? 12:30 बजे। कैन यू कैलकुलेट दिस? कैन यू? यस प्लीज ट्राई, इफ नॉट देन आई एम शोइंग इट टू यू। या सी, ए 180 डिग्री, ठीक है ओके, प्रेरणा हैज गिवन द आंसर 180 डिग्री, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? 180, ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 180 डिग्री, 12:30 बजे 180 डिग्री रहेगा, ठीक है चलिए। नाउ सी, हेयर इज द प्रॉब्लम, सी दिस इज 12 आवर, दैट इज 6, दैट इज 3, दैट इज 9। ओके सो लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ माई क्लॉक। ओके सो 12:30 बजे मेरा आवर हैंड जो है वो आपके हिसाब से यहाँ पे रहना चाहिए और मिनट हैंड जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए, बराबर? सो ओके नो प्रॉब्लम, इफ इफ यू ज्वाइन लेट नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस हिसाब से तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपका जो ये आवर है, मिनट हैंड है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है यहाँ पे आ गया, तो फिर भी ये हैंड यहीं पे रहेगा, और जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये डायरेक्टली जंप करके थोड़ी ना एक पे जाएगा। ओके
डायरेक्टली जंप करके जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इट इज शिफ्टिंग ग्रेजुअली। आवर हैंड भी जो है वो थोड़ा 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 मूव कर रहा है ना। मतलब देखिए, अगर आपका मिनट हैंड यहाँ पे आया है, 30 पे आया है, और अगर ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, दिस इज 1 2, सो आपका जो आवर हैंड है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। सी, 12 के और 1 के बीच में रहेगा, समझ रहे हो? इट इज ऑल्सो मूविंग ना अलोंग विद द मिनट हैंड। जैसे जैसे मिनट हैंड आगे आगे जाएगा तो उस वो यस वो आवर हैंड को भी आगे आगे लेते जाएगा। सो देखो, 12 और 1 के बीच में है, 30 मिनट हो चुके हैं, मतलब कि वो एग्जैक्टली बीच में है। नाउ इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है? हाउ मच एंगल इज देयर? 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स यानी कितना एंगल, या फिर 1 आवर है? 1 आवर यानी कितना एंगल? 30 डिग्री का एंगल हुआ। सी, दिस एंगल इज 30 डिग्री ना, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो अगर 30 डिग्री के बीचों बीच में है, मतलब उसने 15 डिग्री का एंगल कवर कर लिया है। ओके, नाउ 180 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 165 शुड बी आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया? 165 शुड बी द आंसर। जिन लोगों को समझ में आया है वो लिख दीजिए कि यस, अगर नहीं, ओके, संकल्प गुड, ठीक है, 165 डिग्री शुड बी द आंसर। ओके तनुश्री, राहुल, ओके प्रेरणा, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सब लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब। तो अभी ट्राई करो, ट्राई सेकंड वन। यस यस, आई टोल्ड यू ना, स्पीड ऑफ आवर एंड क्या क्या है कि 1 मिनट का जो डिस्टेंस रहता है, दैट मींस वो 1 मिनट अगर आगे बढ़ेगा तो इट इज मूव। अगर देखिए, आपका मिनट हैंड 1 मिनट से आगे बढ़ता है तो आवर हैंड जो है वो 0.5 डिग्री से आगे बढ़ता है, समझ रहे हो? मिनट हैंड 1 मिनट से आगे बढ़ गया, 1 मिनट से आगे बढ़ गया, सो आपका जो आवर हैंड है वो 0.5 डिग्री से आगे बढ़ेगा, ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन HH एंड MH ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30 इज, सो अभी बताइए एंगल क्या है? ट्राई इट, थिंक इट, थिंक अबाउट इट, आप ड्रॉ कीजिए। 75 बोल रहे हैं, ओके 75, ठीक है, आप ड्रॉ कीजिए नोटबुक पे, तब तभी जाके आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके प्रेरणा बी, राहुल 75, अजय 75, ठीक है, ट्राई कीजिए। ऑप्शंस बी, ऑप्शन बी, सब सभी का ऑप्शन बी है, ओके वेरी गुड, ठीक है। सो देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, वैसे तो सबको समझ में आया है, लेकिन फिर भी मैं उनको समझाना चाहूंगा, ठीक है। सी, इसको मैं कट कर देता हूँ, सेंटर एज इट इज रहेगा हमारा। लेट अस सपोज, सी क्या बोला है कि 8:30 को, 8:30 को यानी कि मिनट हैंड जो है वो तो एग्जैक्टली यहीं पे रहेगा, 30 पे ही रहेगा, ओके, और यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 8, तो 8:30 है ना, तो 8:30 यानी कि 9 और 8 के बीच में मेरा आवर हैंड रहेगा, और वो भी बीचों बीच में रहेगा, सेंटर में, ठीक है। सो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, और ये जो इसने 15 डिग्री कवर किया है ना, 30 प्लस 30 60, एंड 60 प्लस 15 दैट इज 75 डिग्री। सो 75 डिग्री सी, सॉरी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल थर्ड, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे, मतलब कि एक दिन में, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 1 डे, दैट मीन्स 24 आवर्स, वो एक दिन में एक दूसरे के ऊपर कितनी बार मतलब ओवरलैप होते हैं, कोइंसाइड होते हैं? कैन यू ट्राई दिस, कैन यू गेस दिस? ट्राई इट, 22, ओके, मुक्ता इज सेइंग 24, संकल्प इज सेइंग 24, ओके ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 24, ओके या ठीक है। सो देखिए, चलिए, तो 24 आपका आंसर है या फिर नहीं है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो फॉर दैट आई हैव टू इरेज दिस एंड आई हैव टू ड्रॉ अ बिगर सर्कल। सी, ठीक है, नो यहाँ पे ब्रश है, 1, सॉरी दैट इज 12, दैट इज 3, दैट इज 6,
दैट इज 9, ओके 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ओके। सो अभी हम 1 से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 1 से लेके 2 के बीच में कितनी बार ओवरलैप होगा? एक बार ओवरलैप होगा, ओके। प्रेरणा ने आंसर दिया है 22, एक बार ओवरलैप होगा, ओके ठीक है। 2 से लेके 3 तक कितनी बार ओवरलैप होगा? एक ही बार ओवरलैप होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ही बार होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही बार होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही बार हो रहा है, सी अगेन यहाँ पे भी एक बार ओवरलैप होगा, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, और यहाँ पे भी एक बार ही ओवरलैप होगा। यहाँ पे देखिए एक बार ओवरलैप होगा, लेकिन इसके बीच में ओवरलैप नहीं होगा। इसके बीच में ओवरलैप क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बीच में ओवरलैप हो ही नहीं सकता ना। 11 बज के कितने मिनट पे काटा उस पे रहेगा? एग्जैक्टली 12 बजे तो दोनों काटे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 12 बजे तो दोनों काटे यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे ओवरलैप होने का चांस ही नहीं है। जब भी 11:59 हो रहे हैं, ओके 11:59 हो रहे हैं, तब भी जो मिनट हैंड है वो 59 पे है, लेकिन जो आवर हैंड है दैट इज जस्ट 0.5 डिग्री अवे फ्रॉम 12, मतलब फिर भी वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। सो यहाँ पे वो इस स्पैन में वो ओवरलैप होंगे ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार फिर से होंगे, मतलब टोटल कितने बार हो रहे हैं? 11 बार हो रहे हैं, 11 बार इन 12 आवर्स। अगर 12 घंटों में वो 11 बार हो रहे हैं तो 24 घंटों में कितने बार ओवरलैप होंगे? वो 22 टाइम्स, समझ रहे हो। यहाँ पे ऐसा कोई टाइमिंग ही नहीं है जिसमें कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो सके। 11:59 की अगर हम बात कर रहे हैं, आवर हैंड इज इन फ्रंट ऑफ मिनट हैंड, मतलब आवर हैंड जो है वो मिनट हैंड के 0.5 डिग्री अवे है, समझ रहे हो। एनी डाउट? किसी को डाउट है कि इसका आंसर 22 क्यों है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो देन वी विल मूव, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए सब सब सबकी तरफ से कंफर्मेशन आना चाहिए। ओके सो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना क्लॉक्स पे, यही पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो जो आवर हैंड की मूवमेंट है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता, सिर्फ मिनट हैंड की मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है। अगर हमें 12:30 कहा जाए तो हम मान लेते हैं कि आवर हैंड जो है वो 12 पे है और मिनट हैंड जो है वो 30 पे है, सॉरी 6 पे है। सो क्या हुआ? 180 डिग्री एंगल। ऐसा नहीं होता है ना, उसके साथ साथ आवर हैंड भी तो मूव होता है, सो दैट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। नाउ लेट्स गो फॉर द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 2:45 इज, बताइए। अभी इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ओके। सो आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, आपके साथ साथ मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, ओके। जो लोग कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है वो लोग ट्राई कर सकते हैं, जिन लोगों को ट्राई नहीं करना है वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ कि टाइमिंग दिया क्या है, ओके। दिस इज 12, दिस इज 9, दिस इज 3, दिस इज 6। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल लाइक दिस, ओके। मुझे हर एक नंबर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 12, 3, 6, 9, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। सो ये रहा मेरा सेंटर ऑफ द क्लॉक, 2:45 टाइम हुआ है, 2:45 हुए, दैट मींस मेरा जो मिनट हैंड रहेगा जो लॉन्गर वाला है 60 डिग्रीज, ओके दैट इज द, ओके विल ट्राई संकल्प। सी दिस इज मिनट हैंड, करेक्ट। एंड आवर हैंड कहाँ पे रहेगा आपका? 2:45 है, मतलब 2 से लेके 3 के बीच में रहेगा, करेक्ट। सी इट विल लाई समवेयर इन दिस रीजन, ओके। या डोंट बी सॉरी, यू यू ट्राइड इट, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। यू ट्राइड समथिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट, डोंट बी सॉरी। अगर गलत होता है तो कोई भी सॉरी नहीं बोलेगा, आप लोग ट्राई कीजिए, गलत होता है तो होता है, उसमें क्या, ठीक है। सो देखिए 2 से लेके 3 के बीच में हमारा आवर हैंड रहेगा, लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो किस पोजिशन पे रहेगा?
वो किस पोजीशन पे रहेगा? देखिए, अगर मैं 2 से लेके 3 तक जाना चाहता हूं, ठीक है, मतलब अगर मैं आवर हैंड की बात करूं तो मुझे कितने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा मिनट हैंड को? नहीं, 65 भी नहीं है। देखिए, अगर मैं, मेरा आवर हैंड 2 पे है, मुझे उसे 3 पे ले जाना है, तो मिनट हैंड को कितना घूमना पड़ेगा? मिनट हैंड को 60 मिनट से घूमना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब देखिए, मिनट हैंड है 12 पे और आवर हैंड है 2 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पे जाना है आवर हैंड को, तो जब मिनट हैंड घूम के, व्हेन इट विल लाइक मूव लाइक दिस एंड कम हियर, देन आवर हैंड विल रीच टू 3, करेक्ट? ये समझ पा रहे हो? सो अभी वो मिनट हैंड वही कर रहा है, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं है 12 पे, वो कहाँ पे है? 9 पे है, यानी कि 45 मिनट ही हो चुके हैं, मतलब कि उसने 3/4 ही सफर कवर कर लिया है। देखो, 3/4 ही कवर कर लिया है ना, उसको ये 90 डिग्री कवर करना था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, 3/4 ही सफर उसने कवर कर लिया है। तो इसकी मूवमेंट 30 डिग्री होने के लिए, इसकी मूवमेंट 30 है, तो 30 को अगर हम 4 टुकड़ों में बांट दें तो 7.5 आएगा, बराबर? तो 7.5, 7.5 दैट इज 15 डिग्री, 15 डिग्री प्लस 7.5 दैट इज 22.5 डिग्री इस आवर हैंड ने कवर कर लिया है। कितना कवर कर लिया है? 22.7 यहां से। लेकिन अभी ये जो मिनट हैंड है, ये 12 पे नहीं पहुंचा है, इसके लिए उसे 7.5 डिग्री का जो एंगल है वो अभी भी उसे कवर करना है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इस आवर हैंड को अभी भी एक, हाउ 22.7, ओके सी, अगर ये यहां से लेके यहां तक का एंगल, 2 से लेके 3 तक का, ओ सॉरी, इट इज नॉट 22.7 एक्चुअली, इट इज 22.5, यस यस सॉरी, इट इज माई मिस्टेक, या 22.5, ओके। सो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा? 7.5। सो 3 से लेके ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 180, 180 प्लस दिस 7.5 कितना हुआ? वन एटी सेवन पॉइंट फाइव हुआ। सो 245 जब टाइम रहेगा तो एंगल कितना बनेगा? 187.5 डिग्री का बनेगा। बताइए, सब लोग समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताना है, अगर मैंने, मेरा कंप्लीट हो गया ना बोल के, तो आप लोगों ने बता देना कि सर यस वी अंडरस्टूड, ठीक है। तनुश्री को तो समझ में आ गया, 187.5 आंसर क्यों आया? ओके गुड, सब लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है चलो। सो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगा आप लोगों को कि, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल था, इजंट इट? सो इसके लिए हम, इसको अगर इजी करना है तो क्या कर सकते हैं? देखो, देयर इज वन फॉर्मूला, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके संकल्प है, ओके, यू हैव अ डाउट? यस संकल्प, यू कैन पुट योर डाउट इन द चैट बॉक्स। अंटिल देन एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, हाउ टू नो विच एंगल टू फाइंड? सी, अगर 245 आपको बोला है ना, सो मोस्टली एग्जाम में, या रिफ्लेक्स, करेक्ट करेक्ट, सी एग्जाम में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालना है फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है। अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है तो आप आवर हैंड से शुरू करोगे और मिनट हैंड तक जाओगे, या फिर मिनट हैंड अगर पहले है तो मतलब आपको डायरेक्शन दी रहेगी। ओके, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, इस तरह का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा कि कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, ये आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, ठीक है। सो सब लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 m − 30 h। नाउ ये फॉर्मूला किस लिए है? एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ओके, एंगल फाइंड आउट करने के लिए है। और यहाँ पे कभी कभी एंगल माइनस में भी आ जाता है, कभी कभी प्लस में भी आ जाता है, सो एंगल लेकिन करेक्ट आ जाता है। ओके, सो ये हमें हमारा एप्टीट्यूड यूज करके डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एंगल लेना है। ओके, नाउ m is for मिनट्स एंड h is for आवर्स। सो देखिए, 245 दिया है तो h क्या वैल्यू रहेगी? 2,
और मिनट्स की वैल्यू रहेगी 45। सो कैलकुलेट कीजिए सी, अगर इस फॉर्मूला को आप यूज करते हो, आपको थीटा निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है। सो या जस्ट लेट मी इरेज दिस। ओके सो सी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 2, मिनट इज 45 इज इट, माइनस आवर इज 2, 2 दैट इज 30 मल्टीप्लाइज बाय 2 इज 60, करेक्ट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो थीटा की वैल्यू जो है 187.5 आपको मिल जाएगी। ओके सो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब कभी भी आपको इस तरह का एंगल का एग्जांपल आए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बताइए इज इट ओके, फॉर्मूला समझ में आया, उसमें किस में क्या क्या वैल्यू रखनी है? या ओके ठीक है। सो अभी ये फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोगों के मन में डाउट नहीं आया कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ऐसे कैसे हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ओके, इसका क्या प्रूफ है कि मतलब ये फॉर्मूला सही है? ठीक है, सो जस्ट वी विल ट्राई टू प्रूव दिस फॉर्मूला। सी, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सी, आई जस्ट इरेज दिस ऑल। ओके सो मान लीजिए कि मेरी वॉच में, ठीक है, सी 2 बज के, सी दिस इज 2, 2 बज के 20 मिनट हुए हैं। ओके 2 बज के 20 मिनट हुए, मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, क्योंकि मिनट हैंड जब 4 पे रहेगा तभी 20 मिनट होते हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। नाउ मैं रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेता हूँ, दिस दिस इज 12। ओके, और ये जो रहेगा ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आवर हैंड ने कितनी मूवमेंट की है, दो दो पे पहुंचा है, तो कितनी मूवमेंट की है आवर एंड ने, कितनी डिग्री की मूवमेंट की है बताइए? 60 डिग्री की है, 60 डिग्री की है ना, 30 नहीं, 60 डिग्री की है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि 60 डिग्री की है, लेकिन एक आवर को हम क्या लिख सकते हैं, एक आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो मैं अगर 60 H लिखूंगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय H अगर मैं लिखता हूं, तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा, मैं यहां पर H की वैल्यू 2 रख देता हूं। सो H की वैल्यू 2, यानी कि 120 मिनट्स मूवमेंट आवर हैंड की हुई है, 120 मिनट्स हुई है, बराबर। 12 से जब उसको 2 पे पहुंचना है, तो इस मिनट हैंड को 120 मिनट तो काटने पड़ेंगे ना, बराबर। इसी के साथ साथ देखिए, ये जो मिनट हैंड 4 पे पहुंचा है, मतलब कि 120 मिनट्स, सी 120 मिनट्स प्लस दिस 20 मिनट्स, 120 प्लस दिस 20, दैट मींस m, समझ रहे हो, ये m जितने मिनट्स हमारे एक्चुअल में है। सो अभी आप मुझे बताइए, ये जो वैल्यू रहेगी, ये रहेगी आवर एंड के मूवमेंट की फॉर इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स, की मतलब इतने मिनट से आवर हैंड की मूवमेंट हुई है। ठीक है, सो 1 मिनट के लिए आवर हैंड कितना डिग्री मूव करता है, 0.5 डिग्री मूव करता है, तो मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये मैंने एंगल मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल मिनट उसकी मूवमेंट हो गई, तो मुझे ये एंगल मिल गया। सी आई गॉट दिस एंगल, हाँ 12 से लेके 2 के बीच का मुझे एंगल मिल गया, समझ रहे हो। ये जो आवर हैंड था वो 2 पे चला आया मूव होके, मिनट के फॉर्म में हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर। 60 आवर, आवर यानी कि 2 आवर है ना, सो 120 मिनट्स प्लस दिस 20 मिनट्स, दैट इज 4 पे काटा आया है ना, तो ये 20 मिनट्स, यानी कि 140 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 1.2, यानी कि 70 डिग्री उसकी मूवमेंट हुई है। हम अगर एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करें तो 70 डिग्री, ठीक है। तो अभी ये मूवमेंट हुई आवर हैंड की, अभी मिनट हैंड की मूवमेंट क्या रहेगी, मिनट हैंड की मूवमेंट कितनी हुई है, 20 मिनट्स हुई है सिर्फ। सी 20 मिनट से तो मूव हुआ है मिनट हैंड। सो 1 मिनट के लिए कितना डिग्री मूव होता है, 6 डिग्री मूव होता है, बराबर। सो मिनट हैंड की मूवमेंट मैं इस तरह से निकाल सकता हूं, 6 m, कैन आई राइट लाइक दिस, मीन m फॉर मिनट्स एंड 6 फॉर एंगल। सो ये 1.2 जो था, ये 1.2 जो लिखा मैंने, वो एंगल
एंगल के लिए था। आवर हैंड की मूवमेंट 1 मिनट में आधा डिग्री होती है, मिनट हैंड की मूवमेंट 1 मिनट में 6 डिग्री होती है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय m, दैट मीन्स अगर मेरा आवर हैंड सॉरी मिनट हैंड 10 मिनट मूव हुआ है, इसका मतलब उसने 60 डिग्री एंगल क्रॉस किया है। बराबर, अगर वो 20 मिनट मूव हुआ है, इसका मतलब उसने 120 डिग्री एंगल कवर किया है। सो आई गॉट दिस एंगल, सी मुझे ये एंगल मिल गया। मैंने पहले ये एंगल निकाला था और अभी ये एंगल निकाल लिया कंप्लीट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, सो अगर मैं इस एंगल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, सी 60h जो है, मैं यहाँ पे 60h को मैं डायरेक्टली 30h लिख दूंगा, 30h। क्यों? क्योंकि 60 डिवाइड बाय 2 तो लिखना ही है, सो 30h लिख देता हूँ। और ये जो माइनस में रहेगा m/2, ठीक है, देखिए 6m-30h-m/2। सो 6m और -m/2 हम कर सकते हैं 12m-m/2-30h। सो 12m-m = 11m/2 एंड -30h, सो दैट इज दिस एंगल। ओके, सो जिन लोगों को ये इक्वेशन या फिर डेरिवेशन समझ में नहीं आया है, डोंट पैनिक एट ऑल, ये डेरिवेशन आपको किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। मैंने सिर्फ आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये डेरिवेशन करके दिखाया कि हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली आता कहाँ से। ओके, यू जस्ट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द एंगल, दैट्स इट। ओके, आपको डेरिवेशन कहीं पे भी काम नहीं आएगा, लेकिन जो मैथ मैथमेटिक्स के मतलब जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, सो उनके उनके लिए मैंने ये प्रूव करके दिखाया। ठीक है, सो अभी आपका काम तो इजी हो गया। नाउ फाइंड आउट द एंगल, ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल। 3:40 पे कितना एंगल बनेगा? आई थिंक एट नाउ इट इज इजी बिकॉज यू हैव अ फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आवर, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मिनट्स एंड देन गेट द आंसर। इजंट इट इजी? बताइए, चलिए सब लोग। आई होप फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया है। ओके, एंड एवरीबडी विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो इफ यू आर एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला, देन यू विल क्विकली फाइंड द एंगल। 125 एंगल आया तनुश्री का। ओके, प्रेरणा का सी यानी कि 130 आया। तनुश्री चेक वंस अगेन। ओके ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए सब लोग। जब हमारा सीसेट का पेपर रहेगा तो आपको एक स्क्रिबल पैड साथ में लेके बैठना है। ओके, यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस, तब मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग सुनोगे, ऐसा नहीं है। ओके, किसी का ए भी आया है, ठीक है, चलिए। सो आंसर शुड बी सी, दैट इज 130। नाउ हाउ, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट। ओके सी, सॉरी, या नाउ व्हाट व्हाट द फॉर्मूला इज, द थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m-30h। ओके, सो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 40। सो 40 डिवाइड बाय 2 में डायरेक्टली 20 लिख देता हूँ। 11 मल्टीप्लाइड बाय 20 मैंने लिख दिया। 20 क्यों लिख दिया? मिनट की वैल्यू 40 थी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, तो मैंने 40 से 20 कर दिया। और 30h, h की वैल्यू 3 है, यानी कि मुझे यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 90 लिखना पड़ेगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 20 बिकम्स 220 एंड -90, दैट इज 130 डिग्री। ओके चलिए, सो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्राई दिस वन। एट 4:42, 4:42 अगर हो रहे हैं तो आपका आवर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना रहेगा? ये मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको। ओके बी, ओके वेरी गुड प्रेरणा, बी 111, 111, 111 इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। ट्राई कीजिए, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। रिस्पॉन्स कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, या 111 अजय, आकांक्षा, गुड, बी, ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके, खुशी एंड राहुल, वेरी गुड, नो, या आई अंडरस्टूड, इट वाज 111, या नो प्रॉब्लम राहुल, चलो ठीक है. नो, दिस इज लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. ओके, क्या है अलग इसमें, देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 o'clock आर द हैंड्स सेपरेटेड बाय एन इंटरवल ऑफ 25 मिनट्स. तो अभी इन्होंने क्या दिया है और क्या निकालना है, ये अगर हमें समझ में आता है देन वी कैन इजिली सॉल्व दिस. ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h. सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है क्या, दिख तो नहीं रही है. ओके, एम की वैल्यू दिख रही है 25 मिनट्स, लेकिन पता नहीं ये है कि नहीं है. और एच की वैल्यू तो पक्का दी है 3 से लेके 4 के बीच की, मतलब 3 से मतलब 4 तो होगी ही नहीं, मोस्टली 3 ही रहेगी, ठीक है. सो एच की वैल्यू 3 है, लेकिन क्या बोला है कि द हैंड्स आर सेपरेटेड बाय 25 मिनट्स, यानी कि ये अलग फॉर्म में आपको एंगल ही दिया गया है. 1 मिनट यानी कितना एंगल, 1 मिनट यानी 6 डिग्रीज, 1 मिनट यानी 6 डिग्रीज, बराबर. सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 150 डिग्रीज, 150 डिग्री आपको एंगल दिया है, एंगल की वैल्यू आपको दी है, दैट इज 150. ओके, एंड मिनट तो हमें निकालना है, 11/2 मिनट एज इट इज रहेगा माइनस 30h. नाउ h इज व्हाट, 3 से लेके 4 के बीच का, मतलब 4 तो रहेगा नहीं, 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 से लेके 4 के बीच बोल रहे हैं ना, सो इसका मतलब पकड़ के चलिए कि ये 3 ही है. सो 150 इज इक्वल्स टू, और लेट अस से 150 प्लस 90, ये जो 90 यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 11/2 एंड दैट इज मिनट्स. ओके, नाउ सी, 150 प्लस 90 दैट बिकम्स 240. 240 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू एम, मतलब कि हमें मिनट्स की वैल्यू मिल जाएगी, आवर्स की वैल्यू तो हमें पता है. ओके, प्रेरणा का आंसर आया है फर्स्ट वन, ठीक है. सो मिनट्स की वैल्यू हमें निकालनी है, आवर्स की पता है हमें, 3 बज के कितने मिनट्स. सो कैलकुलेट कीजिए, 11 1 11, 11 2 22, सो 2 आएगा, 2 बचेगा, ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे. सो 11 1 11, करेक्ट, सो 11 1 11 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, आई थिंक 9 बचा. सो मैंने पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है. सो 11.8, सॉरी 21.8, सो 21.8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 3 आवर्स 43 मिनट्स एंड समथिंग. सो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन पे ही चलना होता है, ठीक है, कि 43 मिनट्स आ रहा है ना, दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इसका मिनट का जो कैलकुलेशन है, मिनट का कैलकुलेशन कुछ आएगा, थ्री सी 43 पॉइंट, सपोज एक्स वाई जेड, वॉट एवर इट मे बी. ओके, ये पॉइंट में जो मिनट्स की वैल्यू है इसका कुछ महत्व नहीं रहता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ निग्लिजिबल पार्ट. ओके, सो 43 इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई 3 आवर्स एंड 43 मिनट्स इज द टाइम. 3 बज के 43 मिनट पर जो ऊपर कंडीशन दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स आवर हैंड जो है वो 3 से लेकर 4 के बीच में रहेगा, और मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 मिनट का, यानी कि 150 डिग्रीज का रहेगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, ट्राई दिस. तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आपको धोखा देगा, लेकिन आपको आपकी सूझबूझ यूज करनी है, आपको आपका दिमाग यूज करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूं कि क्या आएगा. आप जब उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, -333, सॉरी 332.5 बोलेगा माइनस में. लेकिन हमारा एंगल जो है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, सी 12 बज के 5 मिनट है, सॉरी ये कब जाएगा, ओके विल गो लाइक दिस, या सो 12 बज के, सी दिस इज वन वॉच, नाउ आई एम नॉट सॉरी, आई विल यूज द सर्कल ओनली बिकॉज दैट इज
लाइक ओके सी, सो दिस इज आवर क्लॉक, बी इज ऑप्शन, या बी इज द करेक्ट ऑप्शन, या सी। नाउ 12:05 हुए हैं, यही पकड़ के चलो। सो ये बहुत ही छोटा हो गया, ये 12:05 हो गए, ठीक है। सो आपका एंगल जो आएगा ना उस फॉर्मूला से आपका एंगल आएगा -332.5 डिग्री, ऐसा एंगल आपका आएगा उस फॉर्मूला से, कैलकुलेट करके देख लीजिए। सो एक्चुअल में वो जो एंगल है वो ये एंगल आ रहा है, माइनस बता रहा है ना, मतलब कि ये एंगल आ रहा है। लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन से ही समझ लेना चाहिए कि हमें इंटरनल एंगल निकालना है। हम सारे क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं वो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच के एंगल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें समझ के चलना है कि 332.5 जो आया है उसे अगर हम 360 में से माइनस करें तो हमें एक्चुअल एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, जिस जो कि ये वाला एंगल है। सो इसकी वैल्यू आएगी 27.5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वैल्यू। ओके, सो किसी ने कैलकुलेशन किया है तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्वेश्चन का और घर पर जाके ट्राई कीजिए, ठीक है। सो वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस, दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व लाइक दिस। ओके या प्लीज टेल मी, गिव मी द रिस्पॉन्स, एवरीवन कंफ्यूजन है तो बताइए, हम सॉल्व करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सॉल्व कर सकते हैं देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज वी विल टेक इट। ओके चलिए, तो सबका कंफर्मेशन आ गया कि यू हैव कॉन्फिडेंस दैट एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके चलो, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 AM एंड 4 AM बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड ईच अदर। ओके सो देखिए ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है, आवर्स दिए गए हैं, लेकिन मिनट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अभी मुझे कौन बताएगा कि एंगल दिया गया है तो एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल बताइए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द टू नीडल्स ऑफ द क्लॉक, कैन एनीवन टेल इट, बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड ईच अदर, नोबडी कैन कैलकुलेट द एंगल, नोबडी कैन थिंक अबाउट इट। कोइंसाइड मीन्स ओवरलैप हो रहे हैं, वो जो दोनों नीडल्स है वो एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप। सो कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा, बराबर कि नहीं, सुन पा रहे हो सब लोग। क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 AM एंड 4 AM बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब 3 AM और 4 AM के बीच में दोनों नीडल एक दूसरे पे कब रहेंगे, किस समय रहेंगे, हमें समय निकालना है 3 से लेकर 4 के बीच का। सो हमारे पास एंगल तो पता है, क्या है एंगल, एंगल इज 0, एज इजी एज दैट। ओके यस इट्स 0, सो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया फॉर्मूला में, मिनट हमें निकालना है, बराबर। सो 11/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिनट भी मैंने मिनट के लिए एम लिख दिया, और 30 H, नाउ व्हाट इज H, H इज 3। अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि H 3 क्यों है, बराबर। सो इट इज लाइक दिस, या सो ए ओके ऑप्शन ए, ये वी विल ट्राई इट, वी विल ट्राई इट। ओके सी, सो 11 by 2 मल्टीप्लाइड बाय एम इज इक्वल्स टू 90। ओके सो एम इज इक्वल्स टू 180/2, नो इट इट शुड बी 180/11, इजंट इट, ये 2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 90/2 180 हो जाएगा और 11 डिवाइड में चला जाएगा। सो 11 वन ज 11, 11 वन ज 11 बचा कितना, 7 बचा, 7 का 70 हो गया। सो 11 सिक्स ज 77, दैट इज सॉरी 11 सिक्स ज 66, सो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो पॉइंट की वैल्यू को भूल जाओ, 3:16 पे ये दोनों जो नीडल्स हैं वो कोइंसाइड करेंगे, 3:16, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस इट इज इट, ठीक है, सब लोगों को समझ में आया, बी, वाई बी, क्योंकि हमारा 16:00 कुछ तो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है। सो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है,
चलो गुड, सब लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 2014। उसमें क्या पूछा गया था, देखो, एज्यूम दैट द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग, मतलब कि वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विल द टू हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर। सो चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि कितने मिनट बाद। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझने के लिए क्या है, सी मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, दैट इज आवर लेट अस से वॉच। ओके सो दिस इज वॉच। सो यहाँ पे क्या बताया है, देखो पहली कंडीशन तो है कि द क्लॉक शोज टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। ओके द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर। सो देखिए मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 7, यहाँ पे रहेगा 8, 10, 11, 12। तो थोड़ा सा अगर मैंने गड़बड़ कर दिया है तो सब मतलब फिगर को समझ लीजिए आप, ठीक है। सो ये 9 है हमारा एंड दिस इज 8। सो 8 और 9 के बीच में दोनों जो हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज गिवन इन द थर्ड कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला हमें कि वो 8 और 9 के बीच में है, थर्ड कंडीशन में बोला कि ओवरलैप कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड द मिनट्स। ठीक है, देखिए एंगल तो 0 है, पता है हमें एंगल तो 0 है, आवर क्या है, आवर 8 है। ट्राई कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कीजिए, तो हमें मिनट कैलकुलेट करना है। सो 11/2 मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 240 इज इक्वल्स टू 0। सो 11 m डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, और 2 इज इक्वल्स टू 2 कहने से अच्छा है कि मैं कहता हूँ इट इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, सो 480 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ, 43, ओके 43 कैलकुलेट किया है, m इज इक्वल्स टू 11 4s are 44, करेक्ट, एंड रिमेनिंग इज 4, सो 11 3s are या 43। सो 9 8:43 पे वो जो दोनों नीडल्स है वो कोइंसाइड रहेंगे। ठीक है, दिस इज द गिवन, मतलब ये हमने निकाल लिया। अभी क्या बोला, देखिए आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, अभी कितने मिनट बाद नियरेस्ट इंटीजर विल द टू हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबाउट द अदर, मतलब कितने मिनट के बाद वो दोनों हैंड्स फिर से एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो वो फिर से एक दूसरे पे ओवरलैप कब करेंगे, जब वो 9 और 10 के बीच में रहेंगे, बराबर। अभी 8 और 9 के बीच में एक बार ओवरलैप हो गए, सो 9 और 10 के बीच में एक बार ओवरलैप होंगे। सो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका ओवरलैपिंग का मिनट्स निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 240 की जगह पे कितना आएगा, अभी 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 270 आएगा। ठीक है, सो 270 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज आई थिंक 540, और 540 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, सो 11 4s are 44 एंड रिमेनिंग आई थिंक 10, सो 100, इट इज 9, सो 49, करेक्ट। देखिए तो पहले तो वो 8:43 पे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे थे, अभी वो 9:49 को एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दो टाइमिंग्स हमें मिल गए, तो इनमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, हाउ मच डिफरेंस इज इन इट, कितने मिनट का डिफरेंस है, 65 मिनट्स का डिफरेंस है। अगर 8:43 के बाद 1 घंटे के बाद बचते हैं 9:43 होते हैं, बराबर। तो यहां पे डिफरेंस आपको लग रहा है कि सर 6 मिनट का आ रहा है, बराबर। सो हम राउंडेड ऑफ 65 लेंगे यहां पे। ओके सो 65 विल बी द आंसर। ठीक है, ओके एवरीवन बताइए। तो मैंने जो कैलकुलेशन किए थोड़े से रॉ कर दिए, लेकिन अगर आप परफेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर 65 करेक्ट आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। या बिटवीन 6 p.m. एंड 7 p.m.
द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ आवर हैंड बाय 3 मिनट्स एट। सो यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्या दिया गया है इसमें, आप देख लीजिए मुझे बताइए। आवर है, आवर का आवर दिया गया है, एच एच की वैल्यू दी है, दैट इज 6, एच इज 6 बराबर। एंगल कितना दिया है, हाउ मच एंगल इज गिवन, बताइए कौन बताएगा एंगल कितना दिया है। एंगल दिया है ना यहाँ पे 18 डिग्री का एंगल दिया है, 3 मिनट्स के डिफरेंस पे है ना वो, समझ रहे हो। आवर हैंड और मिनट हैंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मिनट्स फ्रॉम ईच अदर, 3 मिनट, 3 मिनट यानी कि 1 मिनट के लिए हमारा एंगल रहता है 6 डिग्री का। नो इट सॉरी सॉरी इट इज करेक्ट ना प्रेरणा, इट इज करेक्ट, 18 डिग्री इज करेक्ट, यस 18 डिग्री का एंगल दिया गया है। सो कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट करना है, मिनट्स कैलकुलेट करना है, वेरी इजी, लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाइए, एंगल दिया है 18 और 11/2 मिनट निकालने हैं, आवर कितने हैं, आवर है 6, 6 3 18 दैट इज 180 बराबर। सो 180 इधर आ जाएगा, सो बनेगा 198, 198, 198 में से ये 2 इधर आ जाएगा तो बनेगा 190 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 11, मिनट निकल जाएंगे हमारे। सो 11 वन जा 11, बचा कितना, आई थिंक 8 बचा, नो इट शुड बी 8 ना, या इट इज नॉट 192, इट इज 198 एक्चुअली। सो 8 बचा, सो 8 8 11 8 जा 88, सो 18 बचा, ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 36, सो मिनट्स कितने आए, 36 आए, ठीक है। सो 6:36 को जो दी हुई कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। देख लिया आपने कितना इजी क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया था, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ वॉच लूजेस 2 मिनट्स इन एवरी 24 आवर्स व्हाइल अदर वॉच गेन्स 2 मिनट्स इन 24 आवर्स। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द टू वॉचेस शोड द आइडेंटिकल टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ 24 आवर क्लॉक इज फॉलोड। सो देखिए क्या है, यहाँ पे दो क्लॉक दिए गए हैं, दोनों क्लॉक मान लीजिए कि एक साथ शुरू हुए, ओके दे आर दे हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। सो एक क्लॉक जो है वो 24 घंटे के बाद में 2 मिनट से पीछे पड़ जाती है, और दूसरी क्लॉक जो है वो 24 घंटे के बाद में 2 मिनट से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। सो इस तरह से दो 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 वॉचेस हमें या फिर क्लॉक्स हमें दिए गए हैं। सो एक दिन में उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, हाउ मच डिफरेंस इज कमिंग बिटवीन देयर टाइमिंग इन अ वन डे, 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। एक वॉच या फिर एक क्लॉक, एक वॉच ही पकड़ के देते हैं हम, एक वॉच 2 मिनट पीछे जा रही है, दूसरी वॉच 2 मिनट आगे जा रही है एक दिन में 24 आवर्स में। सो एक दिन में 4 मिनट का डिफरेंस आया बराबर, ठीक है, 2 दिन में 8 बराबर, करेक्ट, 2 दिन में 8, इसी तरीके से 4 दिन में 16, 4 दिन में 16 आया, 8 दिन में 32, 8 दिन में 32, उसके बाद में पकड़ लीजिए 10 दिन में 40 मिनट का आया, 10 दिन में 40 40 मिनट का, 15 या डी इज द ऑप्शन, या करेक्ट, 15 दिन में 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, 15 दिन में 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो, 15 दिन में 1 घंटे का। तो 30 दिन में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, मतलब अगर एक में 12 बजे है तो दूसरी में 2 बजेंगे 30 दिन बाद, 2 महीने बाद एक में 12 बजे है तो दूसरी में 4 बजेंगे 3 महीने बाद। सो इसी तरीके से कितने टाइम लगेगा उसे, 360 डेज लगेंगे, एक पूरा साल लगेगा फिर से सेम टाइम दिखाने के लिए। सो ऑप्शन क्या क्या दिए थे हमें कि द टू वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम अगेन ऑन द कंप्लीशन ऑफ 30 डेज, विच इज रॉन्ग बराबर, 30 डेज के बाद में वो आइडेंटिकल टाइम नहीं दिखाएंगी वॉचेस, 90 डेज के बाद में भी नहीं दिखाएगी, 120 डेज के बाद में भी नहीं दिखाएगी। तो इसका मतलब है नन ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ओके।
सो दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर यू. ओके, या समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. सो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. आई एम वंस अगेन रिपीटिंग दैट. थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 30h. वो किस तरह से आता है वो हमने डिराइव भी किया. अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो चलिए ठीक है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन. चलो, या थैंक यू, बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू अजय. लीव द क्लास प्लीज.